बिहार में ना दो चीज बहुत फेमस है। अच्छा, एक घोड़ा और एक बंदूक। शौक तो रईसी वाला शौक, रईसी वाला शौक है। क्या आप फॉर्च्यूनर रख लो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक घोड़ी और घोड़ा अगर हो ना तो मजा आ जाता है। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूँ ब्रह्मपुर, बिहार। देखिए बिहार के मेले जो होते हैं ना, सोनपुर भी आपको दिखाया, ब्रह्मपुर भी दिखा रहे हैं, इतने बड़े होते हैं कि हमारी टांगें थक जाती हैं। लेकिन कभी कभी थकते हुए हम जा रहे होते हैं और हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिससे मिलके मज़ा आ जाए। तो पिंटू शर्मा जी हैं, हमें मिले, कहने लगे मैंने घोड़ा घोड़ी इसलिए पाले कि सुबह उठते थे हम लेट 12-12 बजे तक, लेकिन अब सुबह उठ रहे हैं। तो चलिए पिंटू भाई से बात करेंगे, और डॉक्टर भी हैं तो घोड़ों के ही हैं। तो चलिए पिंटू भाई से बात करेंगे, जो पटना से आए हैं, घोड़ियाँ लेकर आए हैं, तो वो भी देख लेंगे। बाकी ब्रह्मपुर का मेला एक दिन रपा रपा। चलिए आइए बात करते हैं। पिंटू भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है मामला? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा चल रहा है मेला अभी तक? मेला तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो कितने साल से आ रहे हो इस मेले में आप? इस मेले में 2-3 साल से। अच्छा, शौक ज्यादा पुराना नहीं है जो पाल रहे हैं घोड़े? नहीं, पुराना मेरा पुराना नहीं है, बट मेरे और गार्जियन लोग का पुराना शौक है। अच्छा, गार्जियन का पुराना है, आपका थोड़ा अभी नया नया है। तो आप तो कह रहे थे नींद की वजह से घोड़े पाल लिए, क्या था किस्सा? नहीं, इसमें किस्सा कुछ नहीं है। वैसे घोड़ा पालने से ना आदमी मतलब सुबह शाम इसका सेवा हुआ करने से आदमी फ्रेश मूड में रहता है। हाँ, हाँ, और अपना भी मसल बढ़िया रहता है और घोड़ा का भी मसल बढ़िया होता है। सही कह रहे हैं, ये एक्सरसाइज हो जाती है बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे शरीर का। तो क्या क्या लेके आए यहाँ पर? अभी तो यहाँ पे हम लेके आए थे, 3 घोड़ी था और 2 घोड़ा था। अच्छा, तो अभी घोड़ियाँ हैं? हाँ, घोड़ियाँ भी है। बाकी ये दिखा दें, ये सारे लोग आए हैं, ये हमसे कह रहे थे भाई साहब हमें वीडियो में ले लेना, ये सब आए हैं। कहाँ से आए हो आप? मथुरा। मथुरा से आए हैं ये, अपने ये गाड़ी वाड़ी लेके आए हैं सब लोग, कहने लगे हमें जरूर दिखा देना। माल लेके आए हैं अपने, घोड़े वोड़े, तो अब ये भी खुश हो गए। ठीक है भाई साहब, चलिए पिंटू भाई इसके बारे में बताइए, क्या क्या उम्र हो गई इसकी घोड़ी की? इसका अभी 4 साल हो रहा है। 4 साल? अच्छा, और हाइट क्या होगी इसकी? इसका 61 है। 61। दो पैर वाइट है ना? हाँ, दो पैर वाइट है। अच्छा, तो ये मारवाड़ी में आएगी, सिंधी में आएगी कि मिक्स में आएगी? नहीं, मारवाड़ी मिक्स है। मिक्स है ना, सिंधी मारवाड़ी ना। अच्छा, तो उम्र आपने बताई 4 साल, हाइट बताई? हाइट 61। 61, 4.5 साल है? हाँ, 4.5 साल। तो चलती है कुछ चाल? हाँ, चलती है। अच्छा, तो कितना चल जाती है अभी? 30-32। 30-32 चलती है। अच्छा, तो क्या डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? इसका 75,000। 75,000, 75,000 रुपए है। तो नाम हम रखा है पिंटू भाई कुछ इसका? इसका, हाँ, इसका नाम तो है, क्या नाम है इसका? रानी। रानी करके? रानी तो सभी रख देते हैं, प्यार से रानी ही बोला जाता है, प्यार से रानी बोला जाता है। अच्छा, तो आपके पास कितना टाइम हो गया इसे? इसे रखे हुए 2-2.5 साल हो गया मेरे पास। अच्छा, 2-2.5 साल हो गया। चलो चलो, इसके बारे में बताओ, ये क्या उम्र हो गई इसकी? इसका भी हो गया करीब 3-3.5 साल। 3-3.5 साल की है। अच्छा, ये भी कान नहीं मिला रही, ये भी मिक्स है ना? हाँ, मिक्स है, मिक्स है। अच्छा, इसकी हाइट थोड़ी कम लग रही है ना? हाँ, थोड़ा कम है। ऊपर करिएगा जरा, ऊपर करो, मुरी ऊपर करो। ममता, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी? हाँ जी। इस घोड़ी का नाम ममता बनर्जी है? हाँ बिल्कुल, ममता बनर्जी। अच्छा, दो पैर सफेद है ममता बनर्जी के, तो ममता बनर्जी क्यों रख दिया नाम इसका? बस प्यार से। रावड़ी रख देते? नहीं, प्यार से बिहार की रहती है अपने। एक्चुअली इसको ना हम परचेस करके लाए थे पंजाब से, मुक्तसर से। अच्छा अच्छा, बच्चा में ही इसको मुक्तसर से परचेस किया। हाँ, हाँ, हाँ। जो अभी मेरे पास ही शुरू से रह रहा है। अच्छा, तो एज कितनी बताई आपने इसकी? वही 3.5 साल। 3.5 साल। हाइट इसकी होगी? हाइट नहीं, 59। 59, 58-59 के बीच में ही है। थोड़ा सा ऊपर करिए एक बार, फिर और आइडिया लग जाएगा। ऊपर ममता, ऊपर करो मुरे। ममता सुन रही, चलती है ममता? हाँ बिल्कुल। क्या स्पीड से चलती है? वही 34-35। 34-35 चलती है। यहाँ तो चाल का तो अलग ही है हिसाब किताब। नहीं, मेरे पास खास करके ना, मैं इसको खुद राइड करता हूँ। अच्छा, खुद ही करते हैं? कान वान भी सिंधी वाले ही हैं बिल्कुल हैं। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसका है 85,000। 85,000 चाल की वजह से? हाँ, चाल की वजह से। अच्छा, ये प्रेग्नेंट तो नहीं है घोड़ी? नहीं ना, अभी प्रेग्नेंट। इधर कराते हैं ज्यादा? नहीं कराते ना, कराते हैं, मीटिंग कराते हैं, बट वहाँ वाला सीन नहीं है, पंजाब वाला सीन वैसा नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ ना फॉर्म का कोई अभी सीन नहीं है, और बंसावली से भी कोई घोड़ा घोड़ी नहीं बेचने में यकीन रखता है। लेकिन चक्कर क्या है, घोड़ियाँ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है घोड़ियों का शौक कम करते हैं, घोड़े ज्यादा पालते हैं। हाँ, चाल के तो शौक के वजह से। हाँ, किसान लोग है ना ज्यादा। हाँ, मतलब किसान पेशा में जुड़ा हुआ। हाँ, है। फॉर्म के हिसाब से कोई नहीं पालता। हाँ, है ना।
थोड़ा सा आप वो उसके जैसे व्यापार के हिसाब से कम लोग करते हैं? व्यापार के हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है। ये किसमें चंबे में आ जाएगी ना ये? हाँ चंबे में है। अच्छा इसकी उम्र क्या हो गई? इसका उम्र हो गया साढ़े चार साल। साढ़े चार साल? साढ़े चार साल। हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट इसका है 61 प्लस ही है इसका। अच्छा और कितना चलती है ये? तो 38-39 चलता है। सारी चालबाज है ये? हाँ, तीनों चालबाज। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसका डिमांड है 60,000। अच्छा 38 स्पीड वाली आप 60,000 में दे रहे हो। ये पंजाब में, जैसे पंजाब में जाओ, जैसे और जगह मैंने देखा है यूपी में घोड़ियों के रेट थोड़े से ज्यादा हैं पंजाब में, यहाँ सस्ते हैं घोड़ों के ज्यादा हैं? यहाँ घोड़ों के ज्यादा हैं, घोड़ों पे ज्यादा फोकस है। और इसका ना एक कारण और भी है सस्ता होने का, इसका ना उम्र इस सब के मुकाबले ज्यादा है। कितनी उम्र है इसकी? साढ़े चार पाँच साल अप्रोक्स। साढ़े पाँच साल में तो जवान होते, चार पाँच साल में तो जवान। बिहार के लिए ना ये मतलब एजेड हो जाएगा। अच्छा बिहार के लिए खास करके, पंजाब में ना अभी इसका प्रॉपर डिमांड रहता है। हाँ, हाँ, के लिए अभी बहुत मस्त घोड़ी है। सही कह रहे हैं बच्चे अच्छे लेने के लिए, अगर बिहार के नौकरे पे अगर कर दो ना नौकरा घोड़ा इसके ऊपर, फिर तो बच्चा अच्छा आ जाएगा। तो ये बताइए कैसा लगता है शौक? शौक तो रईसी वाला शौक, रईसी वाला शौक है। क्या आप फॉर्च्यूनर रख लो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक घोड़ी और घोड़ा अगर हो ना तो मजा आ जाता है। कोई नहीं देखता फॉर्च्यूनर है, कोई नहीं देखेगा। BMW लेके जाओ कोई नहीं देखेगा। इसका तो मजा ही दूसरा है। तो घर पे सभी को है शौक? हाँ नहीं, खास करके हम और मेरे बाबा हैं, उनका है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे बाबा है वो 45 साल से रखते हैं। अच्छा अच्छा, बाबा बैठे हुए हैं, सब शौकीन ही है, पूरा परिवार शौकीन ही है। तो आप जैसे कहाँ कहाँ के मेले करते हो आप? मैं खास करके बिहार का ही करता हूँ। अच्छा, अब मैं प्रॉपर बाहर का करूँगा। आप करोगे हैं? थोड़ी है प्लानिंग है? हाँ प्लानिंग है, फुल प्लानिंग है। नहीं नहीं आप करो, अच्छा है, क्योंकि जब करोगे जभी तो होगा। हाँ बिल्कुल, जब करोगे जभी होगा, शुरुआत तो करना होगा ना, शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पिंटू भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके। उम्मीद यही करते हैं कि बस ऐसे ही शौक चलता रहे। और देखिए जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको देख के ना चार लोग और निकलेंगे, चार से फिर 40 होंगे। चार क्या, पूरा टीम खड़ा कर देंगे। बस 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 ऐसा होता है। देखिए जब मैंने पंजाब में एक चीज़ देखी है, वो शौक भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। हाँ तभी मज़ा तो तभी आएगा ना, तभी दोनों एक साथ हो। हाँ वैसे तो रखने से कोई फायदा है नहीं। इसका ना मज़ा तभी है ना जब दोनों एक साथ हो। सही बात है, सही बात। तो इसका भी सेवा होगा और अपना भी सेवा होगा। हाँ वो जरूरी है, अपनी भी सेवा जरूरी है। तो घर में और जो जैसे बच्चे हैं सबको शौक है? हाँ मेरे बच्चे हैं, मतलब भतीजा है, सबका शौक है। ये बहुत जरूरी है। सब चढ़ता भी है, घोड़ा भी। अच्छा सब राइडिंग करता है? सभी करते हैं। तो जैसे इनको, जैसे घोड़ा घोड़ी को आप देखते हैं, जैसे देख के भी तो अच्छा लगता है, वो फील क्या रहता है? देख के बहुत प्राउड फील होता है। बिहार में ना दो चीज बहुत फेमस है। अच्छा, एक घोड़ा और एक बंदूक। तो मतलब बराती का पहले बंदूक शौक हुआ करता था, लेकिन आजकल सरकार बैन कर दिया है, तो अब घोड़ा से लोग काम चला रहा है। तो ये वो वाला घोड़ा है, उसमें वो घोड़ा होता था। दोनों में घोड़ा का ही कमाल है। दोनों में घोड़ा होता है और चलाने वाला का भी कमाल है। दोनों में चलाने वाले कमाल है। तो चलिए पिंटू भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके। उम्मीद यही करते हैं अच्छे रेट में सेल हो जाए और जो फार्म की आपकी प्लानिंग है वो और अच्छी हो। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।